अपना व्यू पॉइंट, आपके हमारे विचार। हेलो नमस्कार, आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर और मैं हूं आपका होस्ट मोहित। स्वागत है आप सबका। वेलकम टू आवर शो अपना व्यू पॉइंट, अपने विचार अपनी राय। हम आएंगे आपसे मिलने हर संडे को 7 दिन में 7 खबरें लेकर। मेन पॉइंट्स ऑफ द वीक आर इंडिया व्यू पॉइंट। कोरोना महामारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई गुहार, राष्ट्रीय योजना बनाने के ऊपर जोर। कुवैत में फंसे 580 भारतीय स्वदेश लौटे। यूरोप के देशों से भी 227 भारतीयों ने भरी उड़ान। मानसून को मद्देनजर रखते हुए पीएम ने की अहम बैठक। उपायों की समीक्षा। भारतीय सेना ने की पाकिस्तान की चौकियां तबाह। एक और घुसपैठ किया नाकाम। कोरोना व्यू पॉइंट। कोरोना से उबरने की दर बढ़कर हुई 51.5%। महाराष्ट्र में आए 3,000 से ज्यादा नए केस। कचरे में शव, मरीजों के परिवार तक को मौत की जानकारी नहीं। दिल्ली में भव्य व स्थिति के लिए राज्य सरकार को फटकार। कोरोना मरीजों को के इलाज के लिए बदला प्रोटोकॉल। जाने किन मरीजों को दी जाएगी रेमडेसिविर और HCQ। ऑक्सफर्ड के वैक्सीन के लिए खरीदारों की लाइन। यूरोप के लिए 40 करोड़ डोज की हुई डील। ग्लोबल व्यू पॉइंट। भारत चीन के बीच सहमति, बातचीत का दौर जारी। नेपाल के निचले सदन ने किया विवादित नक्शे को पारित। जॉर्ज फ्लॉयड डेथ। जानिए अमेरिका के किन मूर्तियों को हुआ नुकसान इस हिंसा से। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बड़ी तनातनी। कम्युनिकेशन लाइंस अफेक्टेड। सेलिब्रिटी व्यू पॉइंट। आत्मनिर्भर भारत। 2 महीने में 2 से 11 लाख पर पहुंचा कारोबार। 100 लोगों को रोजगार। और मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। कोरोना महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। एक गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सरकार को एक राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दरख्वास्त की गई है। कुवैत में फंसे करीब 600 भारतीय खाड़ी देश द्वारा संचालित 2 विशेष विमानों से शनिवार को लौट आए। भारत के ये यात्री नेलोर समेत आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हैं। बाद में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई विशेष बसों से गंतव्य तक इन्हें पहुंचाया गया। सभी भारतीय कुवैत एयरवेज के 2 विमानों से पहुंचे हैं। अपना व्यू पॉइंट इस न्यूज पे ऐसा रहेगा कि हमारी जो भारतीय सरकार है वो जो भी भारतीय फंसे हैं विभिन्न देशों में उन्हें घर वापस लाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। एंड हमारी शुभेच्छा है उनके साथ कि वो लोग ऐसा अच्छा काम करते रहे। मानसून को ध्यान में रखकर हो कोरोना की तैयारी। पीएम मोदी ने एक अहम बैठक में अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया और उनकी समीक्षा भी की। पाकिस्तानी सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने पर आमदा है। शनिवार को पाकिस्तान के कठुआ, पूंछ और बारामुल्ला जिलों में भारी गोलीबारी हुई है। हर जगह पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिला। पूंछ में भारतीय सेना ने घुसपैठ को नाकाम किया। जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना ने 3 से 4 चौकियों को नुकसान पहुंचाया। उड़ी में भी पाकिस्तान की चौकियां को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। अपना व्यू पॉइंट। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि थोड़े दिन शांति बनाई रखनी चाहिए ऐसे टाइम पे जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है। उस टाइम पे आप अगर आके ऐसे तनावपूर्ण स्थिति पैदा करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो वो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़े दिन कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए रदर देन फायरिंग बुलेट्स ऑन बॉर्डर। कोरोना व्यू पॉइंट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। मरीजों को ठीक होने की दर 51.5% हो गई है। शनिवार तक कुल 150,000 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। हालांकि इस दौरान 11,500 नए केस सामने आए हैं जिसमें से 400 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की हालत पस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना के मरीजों के इलाज और कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों की बदहाली को लेके दिल्ली सरकार को जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने LNJP अस्पताल के मैनेजमेंट को भी एक नोटिस जारी करते हुए वहां की बदहाली को लेकर उनसे जवाब मांगा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बदला प्रोटोकॉल। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच हेल्थ मिनिस्टर ने शनिवार को संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर चिकित्सालय प्रोटोकॉल जारी किए। इस प्रोटोकॉल में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर निर्देश है। और मंत्रालय ने मॉडरेट मामलों में एंटीवायरल रेमडेसिविर के इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी है, जबकि संक्रमण की शुरुआत स्टेज में मरीजों को मलेरिया के इलाज में दिए जाने वाली दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देने का सुझाव दिया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए लगी खरीदारों की लाइन। यूरोप ने की 40 करोड़ डोज की डील। ब्रिटिश दवा कंपनी एक्स्ट्रा जेनका PLC ने बताया कि उसने यूरोपीय सरकार के साथ 40 करोड़ डोज की डील की है और उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के खिलाफ उनकी जो वैक्सीन संभावित वैक्सीन आने वाली है उसको लेकर उस यूरोप में आपूर्ति के लिए उन्होंने एक समझौते पे हस्ताक्षर किए। So now let us quickly come to the corona status as of today. So in India, the total number of confirmed cases have reached to 3,20,000. The recovered cases are 1,64,000 and the total deaths have reached 9,300. Coming to UK, the total cases, active cases are 2,95,000, which is 295K, and death is around 40K. And the worldwide picture is the total confirmed cases are 7.9 million. The total recovered cases are close to 4 million and the deaths have reached to 433K. So that was pretty much up. अपना ध्यान रखिए। हमारा व्यू पॉइंट है कि कोरोना भी ऐसी स्टेज में आ गया है कि हमें अपना ध्यान रखना है और अपना काम भी करना है। तो आपको कोरोना के साथ जीना सीखना है और इससे जीने के लिए आपको थोड़ी सी एहतियात बरतने पड़ेंगे। आपको सैनिटाइजर यूज करना है, आपको मास्क यूज करना है, आपको हैंड वॉश करना है अच्छे से। एंड अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए और आप अपने और अपनों का ध्यान रखिए कोरोना से। इनके बीच सहमति के संकेत। भारत और चीन के बीच लद्दाख से जुड़े सीमा क्षेत्र में कई स्थलों में उपजे विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को दोनों देशों के सेना प्रतिनिधियों के बीच दूसरे चरण की बातचीत हुई, जिससे जल्द ही विश्वास बहाली के लिए और कदम उठाए जाने के संकेत मिले हैं। गलवन क्षेत्र में सैन्य घुसपैठ को लेकर पेच फंसा हुआ है। मेजर जनरल बापत ने कहा है कि दोनों तरफ की सेनाएं अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में जानी चाहिए। नेपाल के निचले सदन ने नए नक्शे को पारित किया है और सदन ने उसको मंजूरी दे दी है। नेपाल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने देश के नक्शे को अपडेट करने के लिए उन्हें सर्वसम्मति से नक्शे को पास कर दिया है और इस नए नक्शे के मुताबिक नेपाल ने भारतीय सीमा से लगे हुए तीन क्षेत्र लिपुलेक, कालापानी और लिपुधरा को अपने क्षेत्र में दिखाया है। भारत ने इस पे आपत्ति जताते हुए कहा है कि ये आपसी बातचीत के विरुद्ध है और इसे नहीं होना चाहिए था। So let us come to the US protests. So these protests have been raging across all the 50 states in the US and other countries. The protesters have started showing their anguish to the different monuments and statues across US, out of which the affected ones are Christopher Columbus, Queen Victoria, Leopold II and Winston Churchill. दूसरी न्यूज़ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से। सो नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से तनातनी बढ़ गई है। कम्युनिकेशन और हॉटलाइन की सेवा भी बंद की।
नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में संबंधों के बीच में और खटास बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच में एक दूसरे से दुश्मनी बढ़ती जा रही है, और इसी बीच में नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसकी साउथ कोरिया से जो भी कनेक्टिविटी और हॉटलाइन थी उसकी सेवा वो बंद कर देगा। सेलिब्रिटी व्यू पॉइंट, आत्मनिर्भर भारत 2 महीने में 2 से 11 लाख पर पहुंचा कारोबार, मिला 100 लोगों को रोजगार। उत्तर प्रदेश के गोंडा के 2 दिव्यांग युवाओं के जज्बे और कामयाबी की चर्चा समूचे इलाके में हो रही है। इनके हौसले की ताकत ही थी जो इन्होंने अपने जैसे अन्य साथियों के लिए कुछ करने की मंशा से 2 माह पहले नमकीन फैक्ट्री खोली। इनकी तरह पैरों से लाचार 70 दिव्यांग आज अपने पैरों पर खड़े हैं। इतना ही नहीं, दिव्यांगों की सफलता की इस उड़ान ने लॉकडाउन में बेरोजगार होकर घर लौटे 31 प्रवास श्रमिकों को भी रोजगार देने का काम किया है। हम सलाम करते हैं ऐसे जज्बे को, और हम चाहते हैं कि और भी जो हमारे भारतीय लोग हैं वो इनसे प्रेरणा लेके आत्मनिर्भर बने। बॉलीवुड के एक लोकप्रिय नायक सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में कल आत्महत्या कर ली है, और उनका शव मिला आज पुलिस को। पुलिस को आज अभी तक वहां के घर से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, तो उन्हें अभी तक फांसी लगा के मरने का ही उन्हें अंदाजा है, और पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा है। किसी को नहीं पता था कि सुशांत किस दौर से गुजर रहे हैं, किस किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। काफी अच्छे एक्टर, वर्सेटाइल एक्टर थे, और उन्होंने काफी बढ़िया फिल्म दी हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी, कायपो 6, केदारनाथ, और जो रिसेंटली उनकी एक फिल्म आई थी छिछोरे, श्रद्धा कपूर के साथ। काफी वैरायटी देते हैं अपने अदाकारी से। बॉलीवुड को बहुत ही बड़ा लॉस है। हमारी संवेदना उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिली के साथ है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर दिस एपिसोड। डू स्टे अपडेटेड विद आवर वीडियोस, विद द न्यूज दैट यू गेट ऑन वीकली बेसिस। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द लेटेस्ट वीडियोस दैट वी आर शेयरिंग। Stay safe, stay healthy, and see you next week. Thanks, and till then, see you and take care and stay safe from Corona.